हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप यार, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। भाई ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल डार्क हो रहा है इस समय। ये देखो इधर जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए पूरा, फिर यहाँ से आता है एक वाटरफॉल, चलते हैं। मैनुअल पे कर रखा है, यहाँ से आ रही है लाइट। बहुत अमेजिंग ट्रैकिंग होने वाली है। ऐसी जगह आपको लैंसडाउन में दिखा ले जो किसी ने नहीं देखी होगी, बहुत हिडन जैम है। चलो यार दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों चलो ट्रैकिंग पे जा रहा है चीकू भी, मैं तो जाऊँ। चलो चलिए, आप रास्ता दिखाइए, चलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई चीकू तो लगा पड़ा है, देखो। चलो चलो चीकू, चलो चलो चलो। बहुत ही हिडन जैम पे ऐसा वाटरफॉल है यार, वहां पे वहां जा रहे हैं, मिस मत करना, बहुत पछताओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो भाई हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, आज 12th डे है हमारा भाई, तो हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और एक वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। चीकू मेरा वेट जो मैंने आज कैरी कर रखा है ये है मेरे पे, और ये देखो यहाँ पे जाने वाले ऊपर, बहुत ऊपर है। नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत स्टीप है। देखो अब चढ़ते हुए पता चलेगा, देखो ये एंगल है। हो चलो, आदिवासी आए हैं हमारे साथ आज। ये देखो रास्ता, चलो इधर से चलो। ये अच्छा बोर्ड बनाया हुआ है। चलो इधर से जा रहे हैं हम लोग। अपना बचपन याद आ गया, पापा हमें ऐसे ही लेके जाते थे। नहीं ये रास्ते में तो मैं भी फर्स्ट टाइम है, पर जैसे चीकू बैठा है वो रास्ता वो याद आ गया। वैष्णो देवी की चढ़ाई ऐसे ही करते थे। बहुत ज्यादा स्टीप है, स्टीप है, फिर उसके बाद ये भाई गड्ढे हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ, वाटरफॉल मजा आ जाएगा, हिडन जैम है, किसी ने नहीं देखा होगा। क्या कर रहे हैं यार तू, तो मजाक है क्या? ये देखो इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी बियर की बोतलें मिल गई, और कहाँ जंगल है, ये देखो सारा जंगल ही जंगल है, और यहाँ भी हमें क्या मिल गई, बियर की बोतलें। कुछ नहीं हो सकता। इतने किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा पानी दिखा है, वो नहीं आता जो मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर गिल्स वाला, भाई वही वाली फीलिंग आ रही है। पानी दिखा मतलब आबादी है। यहाँ से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है, 4,800 किलोमीटर की दूरी, और मैं वहीं जा रहा हूँ। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। ये रहा, पहुँच गए हम, यही है बंदूक का है इनकी। तो भाई फाइनली वी रीच। देखो एक हालत ऐसी हो जाती है जब आप ऐसे वाटरफॉल के लिए तरसते हो, लेकिन अभी आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है, बहुत बढ़िया, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अभी रेस्ट कर ले। हेयर इट इज, ये वाटरफॉल की बात कर रहा था। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट सा बना हुआ है, बहुत ही मस्ती होती है। अभी जाने वाले हैं हम लोग, चलना है किसी को? यस। और देखो भाई तो हमारा पहले घुस गया है, हम भी जाते हैं। चलो भाई जल्दी से चलते हैं, मजे करते हैं, और आप भी। कैसा लगा? जरूर आना यार, बहुत थोड़े से ट्रैकिंग भी हो जाएगी और मजे भी आ जाएंगे। कोई नहीं है आसपास, देख लो कोई भी नहीं है आसपास, और पूरे मजे ही मजे। बस अब हो गया, इधर हाथ मार ले सारे गीले हो गए। उसका कितना मन कर रहा है ये देखना जरा, घर पे तो ठंडे पानी से नहाना नहीं। ठीक है चाहिए वाटर, ये लो, आया ऐसे करो। हां मेरे ये लो, 1 2 3 चलो। तो भाई मैं तो अपना नहा के आ गया, ये देखो पूरा गीला हो गया, कपड़े नहीं उतारे, अब चेंज कर लेंगे कपड़े। बहुत मजा आया, आप भी अगर ऐसे हिडन वाटरफॉल का मजा लेना चाहते हो तो ब्लॉग तो आपने देख ही लिया है। अभी वापसी का दिखाऊं रास्ता कहाँ से जाना है, ये सारा ट्रैक करके जाना है, पूरा कई किलोमीटर का ट्रैक है, मैं पहले बता दूं, लेकिन मजेदार है, बहुत मजा आएगा, आके मस्ती कर सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।